हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ लाइट विद टीना। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मेरा सुबह का जो काम है वो सारा फिनिश हो गया है, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो गया। बस अब मुझे दोपहर के लिए लंच बनाना है, तो मैंने सोचा कि अभी उस बीच में जो ब्रेकफास्ट और लंच वाला टाइम होता है ना, उस बीच में मेरे को थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात कर लूँ। और यार गर्मी देखो कितनी ज़्यादा हो रही है। और आज ना देखो मैंने अपने इयर रिंग चेंज किए हैं, तो देखो फेस भी ना बड़ा अलग अलग सा लग रहा है। पहले मैं दूसरे तरीके के पहनती थी, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो। और आज ना देखो मैंने ये छोटे वाले ये अपने अपने कानों में डाल लिए। बहुत टाइम से मैंने चेंज नहीं किए थे, तो सोचा चलो आज थोड़ा कुछ बदलाव करते हैं, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। ये मैं लेके आया हूँ ग्रीन वेजिटेबल्स, लेके आया ना उसमें ये ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ खूब। तो मैं लाया हूँ ये आज मूली के पत्ते मिले एक तो मेरे को ग्रीन, और ये क्या कहते हैं बीन्स मिली, मैंगोज मिले, हरा धनिया मिला, हरी मिर्च मिली। क्या ये बोले क्या तेरा लंगड़े की जगह कौन सा दशहरी? नहीं इसे खा के देखो फिर दशहरी आ जाएगा। मेरे को दशहरी खाने थे यार, और इतनी छोटी सी ये खा रही दो दिन में वॉश कर दी। ये खा के ऐसी प्रिंट लगती हाँ आज टीना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो लक्ष्मा क्या बना रहे हो गरम गरम मौसम के लिए? गरम मौसम और क्या, ठंडा मौसम गरम गरम मौसम में जाकर क्या बनाता है? पकौड़ी होती है, चाय होती है अदरक वाली, वो ठंडे मौसम। फ्रेंड्स अभी मेरे हस्बैंड लेके आए हैं ये वाले आम, और मैंने ना इनको मंगाया था दशहरी, और आप लेके आए हो लंगड़ा। लंगड़ा खाने में ज्यादा टेस्टी होता है कंपेयर टू। अरे यार हमने भी परसों तक तो खाया था ना। अच्छा चलो देखते हैं ना, ट्राई करो। हाँ और फ्रेंड्स आप लोगों को बताना कि आपको ना कौन सी वैरायटी पसंद है आम की, क्योंकि आम में तो बहुत सारी वैरायटियां होती हैं, पर मेरे को जो पसंद है वो है दशहरी आम, और मेरे को जो पसंद है वो है लंगड़ा आम, मुझे तो, और चौसा भी नहीं। मेरे को दशहरी, उसके बाद फिर बम्बैया। अच्छा आप लोग बताना आपके यहाँ कौन कौन सी वैरायटी होती है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पर क्या कहते हैं, चलिए अभी हम लोग एक एक आम का टेस्ट लेते हैं कि कैसा रही है। आम एक आम खा के देखते, चलो एक खा के देखो छोटा एक आम खा के देखते, क्योंकि यार आम ऐसी चीज है ना कि भाई कंट्रोल, मेरे से तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, और मेरा ना वेट भी बढ़ रहा है अब इस वजह से। तो और मेरे साथ पता क्या है कि अगर मैं इसे एक आम खा लूंगा तो मेरा एक आम से ना मन नहीं भरता, मतलब मुझे फिर एक और आम चाहिए, मतलब दो आम तो मुझे नहीं चाहिए। कैसा खट्टा है यार, हम जो परसों आम लेके आए थे वो बहुत टेस्टी था। कितने का दिया? 40 रुपए किलो। अजीब हो, 100 रुपए का 2.5 किलो, और वो भी हम 100 के 2.5 किलो लेके आए थे, लेकिन वो टेस्टी बहुत ज्यादा थे यार। बेकार क्या खा के देखो, ये बढ़िया फ्रेंड्स। अभी ना हम लोगों को टाइम हो रहा है, टाइम 5:15 हो रहे हैं शाम के, और अभी हम ना आज है सैटरडे, तो हम लोगों को सुंदरकांड हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग ना
सैटरडे और ट्यूसडे में शाम को सुंदरकांड किया करेंगे। तो आज हमारा फर्स्ट डे है, तो अभी हम लोग पूजा वूजा की तैयारी करेंगे। तो शाम को हम लोग पूजा क्या सिर्फ मतलब सुंदरकांड पढ़ा करेंगे, बस ऐसे मन हुआ यार कि है ना सही है ना, अच्छा होता है ना सुंदरकांड पढ़ना बहुत ज्यादा। फ्रेंड्स अभी टाइम हुआ है शाम का और अब यार खाने की बड़ी टेंशन हो जाती है कि क्या बनाओ क्या बनाओ। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज हम बनाएंगे, बहुत टाइम से नहीं बनाया था, मीठा खाने का भी मन कर रहा था, बेसन का हलवा और पकौड़ी आलू की और बेसन की। तो बस मैं उसी की अभी तैयारी करती हूँ। यार समझ में ही नहीं आता आज ना, वैसे सैटरडे है और मेरा ना बहुत टाइम से मन हो रहा था कि मैं जलेबी दही जलेबी का नाश्ता करने का, लेकिन वही होता है यार बस सैटरडे संडे में पता नहीं क्यों मन करता है। और अभी सैटरडे संडे है लॉकडाउन, तो आज मेरे हस्बैंड देख के भी आए लेकिन वो मिली ही नहीं आज भी। तो फिर बस मन हो रहा था कि कुछ मीठा खाना है, तो मैंने कहा रात के टाइम आज यही बनाते हैं। सुबह मतलब दिन में वैसे मेरे को ये जो पकौड़ी और हलवे का जो है बनाना, ये वैसे ब्रेकफास्ट में ही अच्छा लगता है, लेकिन ब्रेकफास्ट में ना हमें उसी के चक्कर में हम लोग रह गए कि शायद वो तो मिल ही जाएगी, हम लोगों ने तैयारी नहीं की और बस फिर हो गया लेट। तो इसी वजह से फिर हमने कहा रात में बनाते हैं, तो अभी मैं उसी की तैयारी करूँगी। तो अभी और गर्मी यार इतनी हो रही है ना, तो कि भैया मेरा तो मन नहीं करता कि मैं अपने बाल खोल लूँ गर्मियों में, तो बस मेरा यही मन होता है कि मैं हाँ जी आ रही हूँ कि मैं अपने बाल बांध के रखूं। अभी ना हमारे वही नए वाले घर में ना काम शुरू ही हो रखा है, तो डेली कोई ना कोई काम होता ही रहता है। तो आज आया है एसी की फिटिंग करने वाला, जो अंडरग्राउंड एसी की फिटिंग होती है ना वो, तो बस उसी के लिए मेरी मदर इन लॉ और हस्बैंड गए हुए हैं अभी। वो एसी की फिटिंग वाला एसी की फिटिंग कर रहा है, तो बस उसी के लिए। और तो चलिए हम कर लेते हैं अपने हलवे की तैयारी। पर बेसन के हलवा बनाने के लिए ना ड्राई फ्रूट्स कट कर रही थी, बादाम काजू वगैरह, और मैंने अचानक से देखा कि जो ये बादाम का डब्बा है ना, इसमें पता नहीं कहाँ से चींटियाँ आ गई थी, इतनी सारी चींटियाँ हो रखी थी, जबकि ये एयर टाइट डब्बा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको ना मैं पूरी पूरे जो बादाम है उनको प्लेट में खाली कर लेती हूँ, और धूप हो रही थी थोड़ा कि उसमें सुखा देती हूँ, तो शायद ये जो चींटियाँ होंगी वो निकल जाएंगी। और पता नहीं यार कहाँ से, जबकि एयर टाइट डब्बा है और पता नहीं इतनी सारी चींटियाँ हो रखी थी, मुझे खुद नहीं समझ में आया कि ये चींटियाँ कहाँ से आ गई। तो बस फिर मैंने उसको फटाफट से प्लेट में करके फिर धूप में सुखाया, तो उसके बाद फाइनली वो चींटियाँ सारी गायब हो गई। चलिए कर लेते हैं हलवा बनाने की तैयारी, जो बेसन का हलवा है वो। और उसके लिए मैं ना इस कटोरी, ये वाली जो मेरी कटोरी है, इसमें लूँगी बेसन, बस इतना ही बनाऊंगी, हमारे लिए बहुत होता है ये वाला। तो चलिए हम गैस ऑन करके पहले हम घी डाल देते हैं। और देखो एक चीज़, आप जितना घी डालोगे ना उतना ही कोई भी हलवा हो बहुत अच्छा बनता है, तो घी का यूज़ जितना होगा उतना वो टेस्टी बनेगा। तो अभी मैं घी डालती हूँ क्योंकि हम ना बेसन को फ्राई करेंगे, मतलब उसको भूनेंगे अच्छे से। ये देखिए बेसन ना मैंने इसमें डाल दिया है, और देखो बेसन ना पूरी तरह से जो घी में मिल गया है, मतलब घी इतना होना चाहिए कि बेसन ना अच्छे से उसमें मिल जाए। और इसमें ना मैं डालूंगी, मैं ना क्या करती हूँ बेसन के हलवे में, मैं जैसे एक कटोरी मेरा बेसन का हलवा है, तो उसमें मैं एक चम्मच के करीब डालती हूँ सूजी। तो मैं एक चम्मच सूजी डालूंगी, इसको ना छान के डालेंगे। सूजी को हम थोड़ा छान लेंगे, मेरे पास ना वो वाली छलनी नहीं है, जो बड़ी वाली छलनी होती है ना, वो मैं लेके आऊंगी।
अभी मैं वैसे भी मैं बोल रही थी ना आपको कि मुझे ना दो चार सामान अभी और लेके आने हैं, और सूजी को ना छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बरसात के मौसम में उसमें कीड़े पड़ने का डर रहता है। चाहे आप कितना भी उसको अच्छे से स्टोर करके रखो लेकिन फिर भी ना कीड़े पड़ने का डर रहता है। आपको ना बिल्कुल जो धीमी आँच पे इसको भूनना है, और मतलब जब तक अच्छे से खुशबू ना आ जाए तब तक। तो चलिए हम इसको भूनते हैं। इसमें आ सकते छन भी नहीं रही है मेरी सूजी, लेकिन सूजी को छानना है बहुत ज़रूरी। मैं सोच रही हूँ बड़ी छन्नी क्या निकालूँ। धीमी आँच पे ना इसको बेसन को भूनना है ताकि ये मतलब लगे ना नीचे, क्योंकि ना अगर आप तेज आँच पे भूनोगे तो इसके जलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको धीमी आँच पे भूनना है और उसको लगातार चलाते जाना है। आप देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखो ये ना कैसे हो गया। दिख रहा है साफ साफ बहुत ज़्यादा नशे हलवे का मजा आता है। और अभी हम चीनी निकाल के रख लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ना चाशनी बनाते हैं तो डालते हैं, और कुछ लोग ऐसे। तो मैं चीनी अभी ऐसे ही डाल दूंगी क्योंकि वो घुलनी तो है ही, तो मैं चाशनी का यूज़ नहीं करूँगी। अभी एक कटोरी में इसमें जितना मैंने बेसन लिया उतनी मैं चीनी ले लूँ, ये वाली पेपर वाली। हमने ना चीनी और पानी दोनों को कर दिया है ऐड, और देखो ना ये ना आपको थोड़ा ब्राउन दिख रहा होगा तो ये कैमरे की वजह से हो रहा है, अदरवाइज ये येलो ही है। जब मेरा हलवा बिल्कुल येलो है, बहुत अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी जो मैंने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हुए थे ना, वही डालूँगी। काजू, बादाम और किशमिश और थोड़ा सा गोला। और मैं ना गोले का देखो क्या करती हूँ, गोले को ना मैं क्योंकि कुछ ना कुछ बनाना रहता है तो मैं गोले को घिस के रख लेती हूँ एक बार, और डब्बे में स्टोर करके फ्रिज में इसको रख देती हूँ। तो अच्छे से ये मतलब टाइम हमारा बच जाता है, फटाफट से आप घिसने की ज़रूरत नहीं होती और फटाफट से आप कोई भी चीज़ बना दो। तो मैंने गोला भी डाल दिया, हम इसको ना थोड़ा सा और पकने लगे। हमारा हलवा हमारा जो हलवा है वो बनकर हो गया है अब तैयार। तो आप भी ना इसे फ्राई करना कभी, कि जब आप बेसन का हलवा बनाते हो उसके साथ ना आप एक चम्मच मतलब एक कटोरी बेसन का हलवा, तो आप उसी के हिसाब से एक कटोरी बेसन का बेसन है तो उसके साथ एक चम्मच सूजी। और आप मुझे देखो किचन में कितना ज़्यादा पसीना आ रहा है भाई, जबकि मैंने बाहर लॉबी का फैन ऑन किया हुआ है फिर भी इतना पसीना आ रहा है। तो चलिए फटाफट से हमारा हलवा बनकर हो गया तैयार, अब हम करते हैं अपनी पूजा। फ्रेंड्स अब हो गई है रात, और मतलब रात का जो हमारा डिनर वगैरह है वो भी सारा कंप्लीट हो गया, और अब हम आ गए अपने रूम में सोने के लिए। तो अभी तो फिलहाल वैसे सोएंगे नहीं, अभी हम सोच रहे हैं कि कोई मूवी वगैरह देखें। तो अभी हम देखो ये देखो दिख रही है आपको, अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं कि मूवी कौन सी देखनी है अभी हमें, फिर उसके बाद सोएंगे। और मैंने अपने ब्लॉग की ना एंडिंग भी नहीं की थी तो सोचा एंडिंग भी कर दूं और आप लोगों से थोड़ी सी बात भी कर लूं। फ्रेंड्स अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, अभी ना हम टॉस करेंगे कि कौन सी मूवी या कौन सी सीरीज देखें। कल तो हमने देखी थी ग्रहण, अभी नई आई है वो ग्रहण, तो वो वाली सीरीज देखी थी वो हमारी हो गई पूरी। अभी हमारा डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कौन सी देखें, तो चलिए जब तक डिसाइड होता है फिर हम लोग अपनी मूवी देखेंगे। और हम अपने ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं, मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना।